ये आयशा खान ना पक्का काला जादू करती है, इसीलिए तो मुनव्वर का इतना ज्यादा दिमाग खराब कर दिया इसने। और मैं यही बात हमेशा बोलती रही कि पता नहीं इस बंदी के आने के बाद मुनव्वर को क्या हुआ, ऐसा क्या जादू कर दिया है इसने जो कि मुनव्वर किसी की बात सुन ही नहीं रहे हैं। इवन आप लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे, इतना स्ट्रांग माइंडेड बंदा, वो इस बंदी की बातों में कैसे आ रहा है, क्यों इतनी ज्यादा इसकी बातें सुन रहा है। उसका कारण मुझे आज पता चला। जब मुनावर बैठे थे मोहल्ले में, तब उस वक्त आयशा आई और आयशा बोली, मैंने मुनावर पानी मांग रहे थे कि पानी की मेरी बॉटल देखी, तो वहां पर वो बोलती है कि हाँ मैंने फूंक के रखी थी, पता नहीं कहाँ पर है। तो ये चीजें जो है कुछ दिन पहले आयशा खान ने करनी बंद कर दी थी, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं मुनव्वर का दिमाग जो है ठिकाने पे आया और उसको फीडबैक भी मिला और उसने एक अलग वे में भी सोचना शुरू किया। बट कल रात से जो चीजें फिर दोबारा से हो रही है, तो वो तो भाई काला जादू ही ये कर रही है। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, बिकॉज मैं भी बहुत क्लोज हूँ, मुस्लिम परिवारों के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, तो उनके घरों में जो है फूंक के पानी रखा जाता है, जैसे कि नज़र का पानी होता है कि आप बच्चे को जो है नज़र का पानी पिला देते हो कि भाई उसको नज़र ना लगे, इस तरीके से इस पानी के साथ सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। पर ये बात जरूर है कि घरों में आप अपने बच्चे को, अपनी बीवी को या अपने पति को वो दम किया हुआ पानी आप पिलाते हो कि अल्लाह की आप मर्जी उसमें होती है कि ये चीज़ जो है उसकी दूर हो जाए, ये बला जो है उससे दूर हो जाए, पर इसने जो चीज़ें की हैं, जो उसमें दम किया है, जो फूका है पानी, वो मुनव्वर फारूकी का दिमाग खराब करने के लिए ही फूका है। और इसीलिए मुनव्वर जब वो दम किया हुआ पानी पीते हैं तब उसका दिमाग खराब हो जाता है, नहीं तो ये बंदा भाई कैसे कैसे इतना ज्यादा स्ट्रांग माइंडेड बंदा कैसे इतना हिल सकता है, नेवर, इम्पॉसिबल। यही चीजें होती हैं जो कि बंदे को हिला सकती हैं। भाई काला जादू करती है ये आयशा, अभी अभी बैठी है, पता क्या बोली है, मुझे भूत बनना बहुत पसंद है। अरे यार किसको भूत बनना पसंद होता है भाई, मेरे को तो नहीं है, मुझे तो लगता है भूत को भी भूत बनना पसंद नहीं होगा, पर इसको भूत बनना पसंद है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।